दिन में कैसे मैनेज करेंगे? सुनो, हम निकलेंगे यहाँ से शूट करने के लिए। देखो उस दिन हमारे पास क्या क्या होगा, कैमरा, PNG, टेक्निकल स्टाफ। निकलेंगे हम रियलिटी शो के शूट के लिए। शुरू के टाइम में हम 2-3 सीन्स रियलिटी शो के करेंगे और उसके बाद हमारे पास जितना बाकी का जो टाइम होगा वो सब का सब हम वीडियो शूट पर लगाएंगे। वेरी स्मार्ट। अच्छा दादा, दांत निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे होगा क्या पता है, बोले तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं ना, जो मिसलेनियस के कॉलम में लिखे होते हैं ना, 10,000, 5,000, उससे वो तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे बच जाएंगे और तुम्हारी वीडियो शूट हो जाएगी, ठीक है? और बाकी क्या रहेगा, मॉडल्स, तो वो डैनी के थ्रू हम एक्स्ट्राज मंगवा लेंगे 1,500 रुपये में। और नसीबा से तो मैं खुद बात करूंगा। अब चूंकि वो स्टार हो गई है, मशहूर भी हो गई है, उसकी रेटिंग भी अच्छी आ रही है, स्टार हो गई है, तो तुमसे वो ज्यादा पैसा चार्ज करेगी, ठीक है? तुम बात नहीं करना उससे, मैं बात करूंगा उससे, बस। और क्या चाहिए? बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो। अब मैं ये सारी बात जाके असद को बताती हूँ, हम दोनों मिलके फाइनलाइज कर लेते हैं चीजें, ठीक है? अब मैं जाऊँ, मिलते हैं। हेलो, मैं शाजिया बात कर रही हूँ, शानिया से बात करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी, शानिया तो ऑफिस में नहीं है, वो तो शाहरुख साहब के साथ लंच पर गई हुई है। आप ऐसा कीजिए, उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। जी, वो गालबन रिकॉर्डिंग देख रही होंगी, उसमें सारे मोबाइल ऑफ करवा दिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त तो आप बात कर सकती हैं। शाहरुख साहब के मिसेज का फोन था, शानिया का पूछ रही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती। तुम मुझसे पूछ लीजिए, बिना वजह अपनी छोटी सी अकल पे क्यों जोर डाल रहे हैं? क्या? मजाक, सिर्फ मजाक। अच्छा 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 अच्छा, फिर ठीक है। वैसे बाय द वे सोनिया, ये शानिया शाहरुख साहब की गर्लफ्रेंड है, और शाहरुख साहब की वाइफ उनकी गर्लफ्रेंड को फोन करती है, जबकि गर्लफ्रेंड और वाइफ में डायरेक्ट डायलिंग नहीं होती, ये समझ में नहीं आता। हाँ, जब गर्लफ्रेंड वाइफ की कजन हो तो ऐसा भी होता है। अच्छा 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 अच्छा, अब समझा मैं। मैं किस काम से जा रहा था लाहौर वाल। फूड वाज रियली डिलीशियस। रियली? या, आई हैड अ ग्रेट टाइम। Good. So, ultimately, you enjoyed your food? I had a great time, seriously, after such a long time. That's great. Definitely, you know, sometimes you need to have some change. And for that, you need to change your daily routine, diet bhi change karni chahiye. Allah kare, ye baat shaadiyon ko bhi samajh mein aa jaye. Monotony ka shikar ho gayi hai. Ab tum aa gayi to shayad kuch farak pad jaye. Shaziya, tumse galti to nahi ho gayi kahin? तुमने शानिया को शाहरुख के साथ लगवा दिया। आज दोनों लंच पर गए हैं और कल? नहीं नहीं, तुम तो पागल हो गई हो शाजिया, बिना वजह के शक का शिकार। शानिया तुम्हारी कजन है, तुम्हारी दोस्त है, तुमसे अच्छी तरह वाकिफ है, वो तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन दोनों साथ में लंच पर क्यों गए? भाई, सुबह से रात तक काम करते हैं तो भूख भी लगेगी और लंच भी करेंगे, और आइंदा से ये पागलपने की बातें ना सोचना। शक अच्छे खासे हंसते खेलते घरों को तबाह और बर्बाद कर देता है। माना कि शाहरुख का परिचय के साथ एक चक्कर हो चुका है, लेकिन वो कैसे एक झटके में संभल गए थे। हेलो शानिया, तुम मेरे मियाँ के साथ लंच कर रही हो? मैं तुम्हारे मियाँ के साथ लंच कर रही थी, कर रही हूँ नहीं, कर चुकी हूँ लंच। शकी औरत, सीरियसली शाजिया, आज फर्स्ट टाइम ऑफिस से बाहर जाके इतना अच्छा खाना खाया, बहुत मजा आया। ख्याल रखना, तुम उनकी साली हो। साली यानी आधी घर वाली। और आधी घर वाली होने के नाते इतना तो राइट बनता है ना मेरा कि मैं एक अच्छा सा लंच एंजॉय कर सकूं?
अच्छा सुनो, बात करूंगी शाहरुख से? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के रंग में भंग नहीं डालना चाहती। मैंने इसलिए कॉल किया था कि तुम्हारे आने की खबर आम हो चुकी है। शयाना आंटी की कॉल आई थी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? शयाना आंटी की कॉल आई थी? चलो मैं आके करती हूँ बात। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। Something wrong? हाँ, वो शयाना आंटी एक्चुअली जस्ट कॉल्ड हर। She was worried about me कि मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ। I think I have to call her back and I have to see her. तो मिल लो ना आप उनसे। हाँ, that's what I am. देखो, let's see. अगर बंदों ने कुछ जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो पैसे जुटता हूँ।